हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से मैं एक नई सीरीज चालू करने वाला हूँ यूट्यूब की, दैट इज लर्न एडोब इलस्ट्रेटर। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि एडोब इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं, और उसे एक एक्सपर्ट लेवल पर, नॉर्मल लेवल से पढ़ते पढ़ते एक्सपर्ट लेवल पर तक कैसे पहुँचते हैं। अब बात होती है यहाँ पे कि एडोब इलस्ट्रेटर में होता क्या क्या है। तो आप जैसे ये बगल वाली स्क्रीन में देख रहे हैं, एडोब इलस्ट्रेटर में हम एक ग्राफिक्स बना सकते हैं, हम विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं, हम लेटर हेड बना सकते हैं, हम कोई आइकॉन्स जो होते हैं इंटरनेट के वो बना सकते हैं, ब्राउजर्स बना सकते हैं, इवन हम होल्डिंग बैनर पैम्पलेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब बात है कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि देखिए, इस समय आप जानते हैं कि सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अधिक से अधिक कंपनियां लोगों को हायर करना चालू कर दिए हैं और वो ऑनलाइन घर से काम कर रहे हैं। अगर आप इस समय घर पे हैं और आपकी कुछ हॉलीडेज हैं और आपके पास कुछ टाइम है मान लीजिए अवेलेबल, तो ऐसे टाइम पे अच्छा है कि आप एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ लें। क्योंकि इसको पढ़ने के बाद, सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ एडोब इलस्ट्रेटर, क्योंकि मैं लास्ट कई सालों से इसी कंपनी में मल्टीमीडिया में ही काम कर रहा हूँ, एक ही फील्ड है मेरी, और मैंने ये फील्ड किया कि जो बच्चे सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर अच्छे से जानते हैं उसकी जॉब तो लगी जाती है, जॉब का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप 15 सॉफ्टवेयर जानते हैं थोड़ी थोड़ी, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर उस 15 सॉफ्टवेयर में से कोई दो सॉफ्टवेयर है या एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप एक्सपर्ट लेवल तक जानते हैं, तो आपकी जॉब लगना बड़ा आसान हो जाता है। मैं जॉब करता हूँ, बात करता हूँ कि एडोब इलस्ट्रेटर की, तो एडोब इलस्ट्रेटर में क्या है कि अगर सिर्फ आप ये सॉफ्टवेयर सीख गए, एक सॉफ्टवेयर, तो स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से 20,000 होती है और आपकी जॉब आराम से लग जाती है। अच्छी कंपनीज हो तो 25,000 तक भी देती है मंथ का, मैं बात कर रहा हूँ। और अभी अगर आपको हायर करती है और घर से काम करना है तो भी 15,000-20,000 दे सकती है। अब जरूरी नहीं है कि जो मैं सॉफ्टवेयर सिखाने वाला हूँ एडोब इलस्ट्रेटर वो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप हाउसवाइफ्स हैं या फिर घर पे हैं और कुछ दिनों से घर पे ही बैठे हैं और आपके पास टाइम है, तो आप एडोब इलस्ट्रेटर पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत आसान होते हैं सॉफ्टवेयर। अगर मैंने कई सालों से इसी फील्ड में, और मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर और बहुत सारी डिज़ाइनिंग के फील्ड बहुत आसान है, लेकिन उसे थोड़ी सा बड़ा चढ़ा के दिखा दिया जाता है, यू नो, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। ऐसा नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे कि यू विल गेट दैट ऑल द थिंग्स। अभी अगर मैं बात करता हूँ, जैसे 2 या 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारी कंपनी हैं और मुझे एक्सपीरियंस है पूना का, भोपाल का, इंदौर का, बेंगलोर का, तो मैं देखा यहाँ की जो आईटी कंपनीज होती हैं, जो ग्राफिक्स की अच्छी कंपनीज होती हैं, वो 30,000-40,000 तक मंथली भी देती हैं। अब ये अगर आपने कहीं यूट्यूब में देखा होगा कि इलस्ट्रेटर पढ़ लो और 50,000-60,000 सैलरी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टार्टिंग सैलरी है, जो सच है, वो मैं बता रहा हूँ, आपकी 15,000 से 20,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी एक सॉफ्टवेयर पढ़ने के बाद। और उसके बाद ये जरूर है कि अगर आप पढ़ते रहे इसी क्षेत्र में, आपने थोड़ी सी और एजुकेशन भी ले ली, और तो आप आगे जा सकते हैं। अब बात होती है एजुकेशन की, कि एडोब इलस्ट्रेटर पढ़ लिया तो इसमें एजुकेशन क्या होता है। तो अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में हैं आप और फेल हो चुके हैं और आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी आपने, तो भी आप एडोब इलस्ट्रेटर में आपकी उतनी ही सैलरी होगी जितनी ग्रेजुएशन वालों की, क्योंकि सामने वाला आपकी डिग्री देखेगा नहीं, उसे डिग्री से मतलब नहीं है, उसे इस चीज़ से मतलब होता है कि आपने उसमें काम कैसा किया, उसने जो आपको काम दिया था, चाहे वो ब्राउजर डिजाइनिंग हो या एडवर्टाइजमेंट डिजाइनिंग हो न्यूज़पेपर्स के लिए, तो उसमें आपने कैसे बनाया। क्योंकि उसमें ये नहीं लगेगा सर मैंने गंदा बनाया है, मैंने तो डिग्री की है, माफ़ कर दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे काम होते हैं ना आर्ट बेस होते हैं, समझ में आ गया, और उसमें एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। मैं बात करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं यहाँ पे, अरिजीत सिंह जी को ही ले लीजिए, वो इतना अच्छा गाते हैं, कभी किसी ने पूछा है क्या ग्रेजुएशन किया है कि नहीं किया, नहीं ना, ठीक यही बात होती है। बहुत सारे कार्य क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें डिग्री की कोई वैल्यूज नहीं होती। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अच्छा सा अच्छा ग्राफिक्स आता है, आप मैं भी ये भी देखा है कि पिछले ही मैंने कुछ कंपनीज में अच्छी जॉब निकली थी जिसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने वाले को 50,000 सैलरी दे रहे थे, अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन बस, और मैंने देखा उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी थी, उन्होंने लोगों ग्रेजुएशन है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन अप्लाई फॉर दैट। तो उसमें बहुत सारे कोई ना कोई तो गया होगा ना, किसी ने किसी को तो हायर किए होंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक सॉफ्टवेयर भी अच्छे से सीख ली जाए तो लाइफ टाइम एक प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, वो है जॉब की, चाहे वो एडोब इलस्ट्रेटर हो, चाहे एडोब इन डिजाइन हो, चाहे एडोब फोटोशॉप हो, चाहे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, इवन आपने सिर्फ एक्सेल भी पढ़ लिया ना पूरी जिंदगी में बहुत अच्छे से, जो कि एक्सपर्ट लेवल के लोग पढ़ते हैं, जो कि यू नो सैलरीज डिस्ट्रीब्यूशन करते समय वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज लगते हैं,
फिर अगर अकाउंट का काम करते हैं, ईआरपी का काम करते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूलाज लगते हैं। अगर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर भी आपने ढंग से पढ़ लिया ना सिर्फ, तो पूरी जिंदगी बैठ के खाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, एडोब इलस्ट्रेटर ये जो सॉफ्टवेयर्स की नाम बता रहा हूँ ना, अगर ये सारे सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, तो सपोज आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, आप पैर से लंगड़ाते हैं, आप गरीब हैं, अमीर हैं, कोई भी वैल्यू किसी चीज की नहीं। उनको मतलब होता है कि भैया आपको ये काम आता है ना, हम आपको रख लेंगे। मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही रखा है। तो याद रखिएगा, काम को अच्छे से सीखिए, दूसरी बहुत सारी चीजों में मत जाइए, एक साथ बहुत सारी चीजें मत पढ़िए, कोई एक चीज अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई एक चीज पूरी कमा लीजिए लाइफ में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो नई सीरीज चालू हो रही है, मैं इसमें सिर्फ शायद एक या दो वीक का टाइम लूंगा, शायद 10 से 15 वीडियोस बनाऊंगा, आधा आधा घंटे के। अगर आपने सारे देख लिए तो डेफिनेटली आप एडोब इलस्ट्रेटर में माहिर हो जाओगे और आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। आप बोलोगे कि सर एडोब इलस्ट्रेटर हमने पढ़ लिया सपोज, तो उसमें आगे हम क्या करेंगे, जॉब कैसे करेंगे? आप जाइए पहले, ये सीखने के पहले ना एक बार जाइए और गूगल पे टाइप करिए मेरा वीडियो देखने के पहले कि एडोब इलस्ट्रेटर जॉब्स, ऑनलाइन जॉब्स, अदरवाइज आप सर्च की ग्राफिक डिजाइनर जॉब, तो आप पाओगे कि बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं ऑलरेडी। एक बार आप देखिए तो गूगल पे सर्च करके, तो जब आप जाओगे उसके अंदर सर्च करोगे, कंपनीज को कॉन्टेक्ट करोगे, तो वो बोलेंगे कि अभी फिलहाल ऑनलाइन जॉब है और घर से ही करना है, और आपको जॉब मिल जाएगी और इजिली होता है। अब मैं बोलता हूँ एक ब्राउसर बनाने में 15-16 घंटे नहीं लगते भैया, आप बैठोगे तो ऐसा नहीं कि आपको एक बार ब्राउसर बनाने बोले तो शाम तक देना है। थोड़ी सा काम आज करोगे, थोड़ी सा कम करोगे, अभी आप मान लीजिए पढ़ने के बाद आपको कम नॉलेज होगा, तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे उस पर सीख जाओगे। और एक्सपर्ट लेवल जब कंपनी आपको हायर करती है, वो जानती है हायर करते समय कि आपका अभी फ्रेशर्स हैं, आपसे कितना काम बने, जो एक्सपर्ट लेवल होते हैं वो जानते हैं। तो अभी आपको जिस काम पे भेजा जाएगा वो नॉर्मल काम के लिए भेजा जाएगा, नॉर्मल आपको जॉब्स देंगे, जो भी आपको डेली के रूटीन पे जो भी आपको वर्क कंपनी देगी, वो छोटे से छोटे वर्क देगी ताकि आप उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ सको। हाँ, लेकिन आपको अपने आप को डेवलप करते जाना है, तो डेफिनेटली मेरी ये सीरीज आप ज्वाइन करिए। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है कि ये सीरीज अगर आपने सारी की सारी देख ली, तो आप एडोब इलस्ट्रेटर में एटलीस्ट इतनी ऊपर पहुंच जाएंगे कि आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपने ये पांचों और कुछ वीडियोस तय कर लिए, तो उसके बाद मैंने सोचा है मैं एक वीक की एडोब इलस्ट्रेटर की जॉब की वीडियोस भी चालू करूंगा, जिसमें सिर्फ मैं ये बताऊंगा कि एडोब इलस्ट्रेटर से रिलेटेड जॉब्स कहाँ कहाँ पर है। तो आप मेरी वीडियोज़ देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।